पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दीवान एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन कर रजिस्ट्री ऑफिस को अपनी जगह रखने की मांग उठाई। दीवार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कौशिक ने बताया कि नए मुरादाबाद में बनी एमडीए की बिल्डिंग काफी समय से खाली पड़ी है। अगर वह सही होती तो एमडीए अपना कार्यालय उधर शिफ्ट कर लेता, लेकिन उस खंडर नुमा बिल्डिंग को प्रशासन ने एमए से 1.5 लाख रुपए महीने के किराए पर लेकर रजिस्ट्री ऑफिस को दे दिया है, जो कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग होगा। इसलिए अधिवक्ता समुदाय ये मांग करता है कि रजिस्ट्री ऑफिस अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। कि ट्रेजरी के 500 मीटर की दूरी पर इसकी होनी चाहिए और वहाँ है करीब 15 किलोमीटर आने जाने की असुविधा है। इसके अलावा वहाँ कोई बैंक नहीं है और जो लोग 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से रजिस्ट्री कराने के आएंगे वो मिलेंगे भी और अपने पैसे का भी बर्बाद करेंगे। और इन्होंने वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में आने के लिए एक क्राइम बढ़ावा दिया। दूसरा, हमारा कोई भी अधिवक्ता साथी, कोई भी हमारा साथी यहाँ से कस्टमर छोड़ने वाला नहीं है। इन्हें डायरी कंसर्न नहीं है, अपना ऑफिस एडजस्ट करना चाहते हैं। ये धरना जब तक हम अपना रजिस्ट्री वापिस रजिस्ट्री कार्यालय या वापिस करने रहे कचहरी प्रांगण में, तब तक हमारा धरना चलेगा। उससे पहले हम यहाँ से कर दिया गया नए मुरादाबाद में डीएम कंपाउंड पर, जो डीएम कंपाउंड के कार्यालय के पब्लिक हुआ था उस कंपाउंड में क्या डीएम के कार्यालय के कर्मचारी के जाने से मना कर दिया। वहाँ पे स्थापित किया गया है और चोरी छुपे स्थापित किया गया है। मैं बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस न्यायाधीश सुविधा है, सुविधा है, स्टाम्प विक्रेता के लिए सुविधा है, बैंक है, ट्रेजरी ऑफिस है, और मैं लेकिन जहाँ पर ये स्पष्ट बन जाएगा आवाजाही के लिए कोई भी साधन है और मेरे साथी एडमिनिस्ट्रेशन उसको बढ़ावा देना चाहिए के लिए उद्देश्य से आपको बता दूं कार्यालय अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और उग्र रूप से रहेगा। ये हमने शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करके कलेक्ट्रेट कंपाउंड और उसके बाद मेयर के पद पर अगर मांग पूरी नहीं हुई जल्दी से जल्दी आज मंडल स्तर के लिए प्रदेश से कार्य बढ़ेगी। क्योंकि बार कौंसिल हमारे प्रदेश से निरंतर हमारी वार्ता चल रही है। उनको हम प्रत्यावेदन देकर हाईकोर्ट जज को इस बात को हम बताएंगे कि इस समय जो वार्ता चल रही है वो जल्द डीएम की हठधर्मिता के कारण चल रही है।